हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नोटेक स्टडी। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सिलेबस के बारे में बताता हूँ जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में MPPEB का, व्यापम बोल सकते हैं। सब इंजीनियर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2022 में होगा एग्ज़ाम, जो कि अप्रैल में एग्ज़ाम है। आई होप कि कोरोना नहीं आए और ये कोई भी डिले ना हो। एंड एग्जैक्ट जो मंथ है या डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, अब मंथ है तो एग्जैक्ट मंथ में हो। हम बोल सकते हैं कि अभी कुछ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उनके लिए ये जो है वो 5 to 6 months है। एंड अभी जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करेंगे, 5 to 6 months जो है अभी से करेंगे तो देन वो इनफ रहेगा। आप कर सकते हैं 5 to 6 months में कंप्लीट। इसका मैं सिलेबस बताता हूँ, पैटर्न बताता हूँ कितना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 7 subjects जो नॉन टेक के आते हैं, जो कि 100 questions 100 marks, यानी कि 100 questions जो रहते हैं 100 marks के रहते हैं। एंड 100 questions जो रहते हैं वो टेक्निकल के रहते हैं, यानी कि आप जिस भी ब्रांच से जो वैकेंसीज आएंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑलमोस्ट ज़्यादातर सिविल या मैकेनिकल के आ सकते हैं। सिविल की सबसे ज़्यादा आती हैं। इस बार अच्छी वैकेंसी आएंगी ये सुनने में आया है। ये जो है इसके क्वेश्चंस भी फिक्स हैं कि जनरल नॉलेज के आते हैं 16 questions एंड ओवरऑल सभी के आते हैं 14 to 14 questions। ठीक, 14 से 14 questions आते हैं, वो भी इंडिविजुअल पार्ट वाइज, ना कि मिक्सअप। ये भी बेनिफिशियल है। एंड मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता हो एंड आप आई थिंक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर ये हमें दे दिया है हम अंधाधुंध लगे हुए हैं, सो दैट ये करेक्ट जो है स्टडी का प्लान नहीं रहता है। प्रॉपरली, जैसे कि सपोज दैट मैथ हुआ, तो मैथ को चलो ओवरऑल सभी एग्ज़ाम में हर टॉपिक आता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, कॉमन है, बट फिर भी इसमें एडवांस ज़्यादा आता है। हम स्पेशली साइंस की बात करते हैं, साइंस में भी आप बोल सकते हैं कि साइंस नहीं, हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर में आप बोल सकते हैं कि यार कंप्यूटर का आएगा तो ऑब्वियसली सभी आएगा, नहीं, उसमें सभी नहीं पूछता है। जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ एंड आई होप कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो, तो देन मैं इसकी कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी क्लास लूँगा एंड वो भी डिटेल में, और फिर उसके बाद MCQ लेके आऊँगा जो कि इसमें स्पेशली पूछा है। कई स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर नॉलेज में, क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स कंप्यूटर नहीं पूछते हैं, इसमें MS Excel। चलो अभी आगे बताते हैं क्या है। हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कल्चर, हेरिटेज, जनरल साइंस, नहीं वो अलग से इंक्लूड है, अबाउट इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, जो भी ओवरऑल आता है वो सभी पूछेंगे। 16 questions, इसमें से MP का 8 questions मिनिमम MP क्वेश्चंस आते हैं एंड अदरवाइज और करंट अफेयर 3-4 questions आ सकते हैं, इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड के आ सकते हैं। तो आपको ओवरऑल ऐसा नहीं है कि 16 questions हैं तो उसमें कम पढ़ो, यानी कि MP का नहीं, आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। ये होता है। एंड अब बात करते हैं हिंदी का। हिंदी का भी अच्छे क्वेश्चन है, जैसे वोकेबुलरी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, समास, संधि, जो ओवरऑल सिलेबस है वो सभी कुछ दिया है। इसमें कुछ मिस हुए हैं, बट फिर भी हिंदी के टॉपिक्स जो बुक्स में टॉपिक सारे हैं सारे कवर अप होंगे, आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं और भी डिटेल में लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा प्लानिंग है कि मैं सब इंजीनियर के स्पेशली सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है आपके लिए अवेलेबल हो आगे चल के, एंड टेक्निकल का ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊँगा। देखते हैं, अभी कमिटमेंट नहीं बोल सकते, बट फिर भी प्लानिंग है। एंड जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो ये वोकेबुलरी, ग्रामर, सबसे ज़्यादा फिन द ब्लैंक्स पूछते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर टॉपिक से आते हैं फिन द ब्लैंक्स, जैसे वोकेबुलरी हुआ, ग्रामर हुआ, सिंटोनिम्स भी पूछेंगे, स्पॉट द एरर भी पूछते हैं, एंटोनिम्स, मिस स्पेल्स भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, आते हैं, एडियम फेरेस भी आते हैं, तो कंप्रेसिव फेरेस, तो ये पैसेज हैं जो कि आपको सभी कुछ ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक्स हैं। अब आते हैं मैथमेटिक्स। आप यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नंबर सिस्टम ऑब्वियसली आते हैं, डाटा एफिशिएंसी, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये परसेंटेज, तो सभी जो है टॉपिक्स हैं इसमें।
एडवांटेज जो एडवांस हैं वो शायद ऐड नहीं है, सो वो आप ऐड कर लेना उसमें। जैसे कि एरियाज वगैरह ज़्यादा पूछते हैं उसमें, एरिया का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, सो मैं इसमें अभी एडवांस इसमें ऐड नहीं है। एडवांस के 3-4 टॉपिक हैं तो आप इसमें ऐड कर लेना। ज्योमेट्री हुआ, जैसे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ट्रिग्नोमेट्री पूछते हैं, सो ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनके ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। मेंसुरेशन के स्पेशली ज़्यादा पूछते हैं, तो मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बात बनता है। एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड दिस इज मैथमेटिकल। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, हाँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि इंजीनियर एक तो हमारा रीजनिंग हुआ, एक मैथ हुआ, तो मैथ का स्पेशली अलग है, रीजनिंग में भी इन मैथ के क्वेश्चंस रखते हैं। तो ओवरऑल अगर पूरे सपोज दैट जो इंजीनियर के ऐसे कि उसका रीजनिंग का पार्ट है 14 क्वेश्चंस, तो उसमें ओनली रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग आती है साथ ही साथ उसमें मैथ्स के भी क्वेश्चंस रखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दिया गया है, इसमें मेंशन देख सकते हैं, ये स्पेशली दिया है, मेंशन किया है सिलेंडर कोन स्पेयर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड देखते हैं मेंशन का, मैं शायद मैं भी बता सकता हूँ आपको। एंड ये सभी टॉपिक्स हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड रीजनिंग का ये अलग दिया है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप देख 7 सब्जेक्ट हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 यानी कि 7 ऑब्वियसली सब्जेक्ट हैं, तो इसमें ये जो है अलग दे दिया गया है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मैथ का, बट इसमें मिक्स ही है। सो ये अपना रीजनिंग का है, रीजनिंग सिलेबस ये सभी आप देख सकते हैं। जनरल साइंस के इसमें कोई भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सो फिजिक्स अपना हुआ, केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि इसमें सभी टॉपिक्स आते हैं, तो इसकी स्पेशली कोई टॉपिक्स नहीं है, सभी ओवरऑल है। अब इसका इम्पोर्टेंट इसका बताता हूँ मैं, तो आप जो इसमें दिया है एग्जैक्ट वही आएंगे, मैं जो पेपर हैं प्रीवियस के वो भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। सो ऐसा नहीं है कि एक ही साल हर साल आता है। MS ऑफिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल पावर पॉइंट, MS एक्सेल विंडो, इंटरनेट यूजेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये जो टॉपिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये डिटेल में पढ़ लिया, यानी कि मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा सारे, सो 14 से 14 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है। सो इसके अलावा आप कोई भी फालतू चीज़, अगर आपको नॉर्मल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो फंडामेंटल्स कंप्यूटर्स आप पढ़ सकते हैं, बट इसमें फोकस ज़्यादा देना होगा। अब हम सिविल इंजीनियर की बात करते हैं, तो ये टॉपिक्स हैं बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्टील, कॉन्क्रीट, प्लानिंग मैनेजमेंट, CPM, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, पाइप फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलॉजी, वाटर सोर्सेज यानी कि EWS, एनवायरमेंट सर्विंग, सॉलिड वेस्ट वाटर, एनवायरमेंट इंजीनियर, जी सॉरी ये एनवायरमेंट इंजीनियर, वाटर रिसोर्स इरीगेशन, इरीगेशन हुआ ये, तो उसमें सभी टॉपिक्स हैं ये। एंड आई होप कि आपको ये डिटेल में थोड़ा सा समझ में आया हो, एंड आपके अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी सब इंजीनियर की रिगार्डिंग, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इसका। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है छोटी से बड़ी चीज़, तो मैं आपको सॉल्व करूँगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़।